Assalamualaikum, welcome to Desi Khana. आज हम बना रहे हैं मेरी रेसिपी और ये है चिकन कढ़ाई है और ये मेरी अपनी रेसिपी है ये और मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है तो और ये बिल्कुल ढाबा की तरह ही आपको किसी ना किसी ढाबे से ही मिला देगी कि फलाने ढाबे में हमने खाया था तो फलाने में खाया था और ये बहुत मज़े की है। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था 1 kg और इसको मैंने चिकन कढ़ाई के पीस में कटवा लिया था और अगर आपको खुद काटना आता था खुद भी काट लें और इसमें थोड़ा सा लिटल बिट ऑयल डाला है मैंने और देखें मेरे को 1 serving spoon जितना है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर है और अब मैं इसको ज़रा फ्राई कर रही हूँ। 1 serving spoon अगर ऑयल है तो 1 serving spoon ही ऑयल है इसमें पानी है इसमें और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। चिकन फ्राई करके मैंने ये बॉल में निकाल लिया है और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं इसमें ये अनियन डाल रही हूँ और ये अनियन स्प्रिंग अनियन है जिन्हें आप ग्रीन अनियन कहते हैं ये मैं डाल रही हूँ और ये 4-5 bunch है और इसका ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट अलग कर दिया है। ग्रीन वाला नहीं डालना, उसके जो नीचे जो स्ट्रिक आती है ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की वो पार्ट है, ये मैंने इसको अलग कर दिया। अब ये इसका सिर्फ ऊपर का पार्ट फ्राई करूँगी। जब हल्के हल्के गोल्डन होने लगेंगे तो इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और ऑयल आपने देखा मैंने बहुत कम मिक्स किया है, उसकी भी एक वजह है। आप ये रेसिपी पूरी देखना और फिर आपको पता चलेगा कि इसमें ऑयल मैंने क्यों कम डाला है अभी इस वक्त। अब इसके अंदर जब लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो जब खुशबू वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर इसके अंदर टमाटर मैंने लिया है और टमाटर मैंने स्किन इसकी पील कर ली है। आप पीलर से पहले उसको पील कर लें और फिर इसके अंदर टमाटर डाल दें। ये है 2 टमाटर लेंगे, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 4 ले लें, अगर बड़े हैं तो 2 ले लें। इसके अंदर थोड़ी सी जूलियन कटिंग में अदरक जाएगा तीन से चार हरी मिर्चें और अभी इस वक्त थोड़ा सा बिल्कुल 1 खाने के चम्मच जितना धनिया। मसाला बीच में कर दूं। अब इसके अंदर जाएगा दही और दही को पहले आप इस तरह से बीट कर लें, अगर आप बीट करके नहीं डालेंगे तो वो लम्स जो बन जाते हैं खानों में वो तभी बनते हैं, वाइट जोन्स होते हैं और अमूमन अगर आप क्योंकि शोरबा में नहीं डलता टमाटर वगैरह तो उसमें भी दही डलता तो दही को भी आप इसी तरह डालें। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 serving spoon मैंने दही का डाला है और मैं अब इसको अच्छे से देखें माशाल्लाह वो नहीं बने इसके और बिल्कुल एकदम से क्रीमी फॉर्म में ये आ गया। अब इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 खाने का भर के क्रश सूखा धनिया और इसके अंदर जाएगा 1/2 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 चाय का चम्मच ओरिगानो हर्ब जो सा हम यूज करते हैं पिज्जा में और दूसरे में, ये वो सब जाएंगे इसके अंदर। अंदर नमक ऐड कर रही हूँ मैं और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें
और इस मसाले को अच्छे से भूनना है। अभी तक मैंने ऑयल नहीं डाला ज़्यादा, ये वो ही चल रहा है। अभी मैंने मसाला सही से भूना नहीं है, अभी कच्चा पक्का मसाला है ये। अब जब इस टाइम पे मैं वो जो चिकन फ्राई किया था वो ऐड करूंगी, और जो दही बचाया था मैंने थोड़ा सा वो इस चिकन के ऊपर मैं डाल दूंगी। ये तकरीबन 2 से 3 सर्विंग स्पून होगा, और मैं मिक्स नहीं करूंगी, इसको ढक्कन रखूंगी इसके ऊपर, ढक्कन इसकी लेट दूंगी इसके ऊपर, और फिर इसको मैं हल्का फ्रेम करके तो इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ, मैंने कवर हटा लिया है और अभी ये अच्छे से गल गया है, और दही से देखे कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है और वो लम्स भी नहीं बने। अभी इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, और दूसरी तरफ ये मेरे पास पैन है, इस पैन में मैंने देसी घी डाला है, और देसी घी मैंने 2 सर्विंग स्पून भर के डाले हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसको हल्की आंच पे, देखिए फ्लेम मेरा हल्का सा ऑन है, और इसको मैं हल्की आंच पे अच्छे से गर्म करती हूँ। जो इसका ग्रीन पार्ट था तो मैं अब इसको हाथों से ज़रा करके खोल खोल के इस तरह से इसके ऊपर डाल दी। तो अब मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी, यहाँ फ्राई करना यहाँ बहुत मजे की बनती है। इसके ऊपर हरा धनिया और जीरन कटिंग में अदरक और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, इसके मैं बीच में डाल दूँ, है ना, ग्रीन चिलीज इसके मैं बीच में काट के ऐड कर रही हूँ, वरना स्पाइसी बहुत हो जाएगा। ये जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो बीच के साथ ही डाल दें। ये मैंने डाल दिया है इसके ऊपर इसी तरह से, और आप इसको ना जिसमें बनाएंगे उसी में सर्व करना फुल ढाबा स्टाइल, कभी कभी ऐसे खाना चाहिए ना। अच्छा, अब ये मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये अच्छे से गर्म हो गया है, करी लीव्स हर घर में होते हैं, नहीं किया तो आप ड्राई भी मार्केट से ले सकते हैं हाथ बचा के। हल्का सा गर्म हो जाए आपका, क्यों कैसा लगा, मजा आया ना, जरूर ट्राई करना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा है। इधर ही मैं एंड करती हूँ, अपना अपने फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मेरी मेरी माँ जी को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।